ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਰੈਂਡਸ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ 3 ਵਾਅਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ 3 ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਝੂਠ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੱਗੇ ਐਮਪੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਪਰ ਭੁੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ आम आदमी पार्टी के मुखी ते दिल्ली दे मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंचे ते उन्हां यूटी गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की मंच ते उन्हां दे नाल राघव चड्डा भगवंत मान कुंवर विजय प्रताप ते हरपाल सिंह चीमा मौजूद सन सब तो पहला भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन किया उन्हां कहा कि पंजाब विच बिजली का मुद्दा सब तो अहम है पंजाब सरकार नूं कई बार बिजली सस्ती करन नूं कहा गया पर कुछ नहीं हो सकया इसका हल सिर्फ केजरीवाल कोल है दिल्ली च सस्ती बिजली अरविंद केजरीवाल ने ही दिती है भगवंत मान तो बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन किया उन्होंने सब तो पहला बिजली का मुद्दा चुकया उन्होंने कहा कि पूरे देश में सब तो महंगी बिजली पंजाब है जबकि पंजाब खुद बिजली बनाता है दिल्ली तो दूसरों को बिजली खरीदता है तो भी उत्थे मुफ्त सस्ती बिजली मुहैया करवाई जा रही है उन्होंने कहा कि जेकर सरकार से बिजली कंपनियों की गंढ धुप को खत्म कर दिया जाए तो दिल्ली वांग पंजाब भी बिजली सस्ती होगी उन्होंने कहा कि बिजली सस्ती होने औरतों को भी राहत मिलेगी क्योंकि उन्होंने बजट दुरुस्त होगा एक सवाल के जवाब से केजरीवाल बोले कि पंजाब के नौजवानों को रुजगार आम आदमी पार्टी किमें देगी ये उसकी रणनीति के अध्याय का हिस्सा है 2 महीने बाद इस गलते चर्चा करेंगे अज उन्होंने वालों 3 महत्वपूर्ण ऐलान किए गए जिस विच पहला ऐलान पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार हरेक 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगी इस तरह 80% लोगों का बिल 0 हो जाएगा जेकर यूनिट 301 हो गए तो सारे दे पैसे देने पैणगे दूसरा ऐलान घरेलू बिजली दे सारे बकाया बिल माफ होंगे कट्टे हुए सारे कनैक्शन बहाल किए जाएंगे ते तीसरा ऐलान दिल्ली दी तर्ज ते पंजाब च भी 24 घंटे बिजली मिलेगी उन्होंने कहा कि पंजाब च बिजली की कोई कमी नहीं है उन्होंने कहा कि पंजाब की आबादी 3 करोड़ ते सरकार का सालाना बजट 1,80,000 करोड़ रुपये है कि सरकार 60,000 रुपये एक पंजाबी ते खर्च नहीं कर सकती पंजाब के लोगों को और खासकर महिलाओं को बेहद खुशी होगी जैसा भी मेरे भाई भगवंत मान ने बताया पूरे देश में लगभग सबसे महंगी बिजली पंजाब में मिलती है क्यों पंजाब के अंदर बिजली बनती है पंजाब अपनी बिजली बनाता है जितनी बिजली पंजाब को चाहिए उससे ज्यादा बिजली पंजाब बनाता है उसके बावजूद सबसे महंगी बिजली पूरे देश में पंजाब में क्यों मिलती है दिल्ली में हम बिजली नहीं बनाते जरा सी भी बिजली नहीं बनती दिल्ली में सारी बिजली हम दूसरे राज्यों से खरीदते हैं उसके बावजूद भी पूरे देश में लगभग सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है पंजाब में 3 बड़ी बड़ी चीजें की जाएंगी आज मैं 3 घोषणाएं कर रहा हूं हमारी जो पहली गारंटी है उसमें ये 3 घोषणाएं हैं पहली घोषणा आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी अब मुझे पता है कुछ पत्रकार कहेंगे दिल्ली में तो 200 देते हो यहां 300 क्यों पूछोगे ना तो उसका जवाब है दिल्ली में हमारा जो स्ट्रक्चर है 200 तक हम फ्री देते हैं और 200 से 400 आधी रेट पे देते हैं तो उसको हमने यहां पे 300 यूनिट कर दिया 300 यूनिट तक बिजली हर परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी मुझे लगता है हमारी जो हमने कैलकुलेशन की है
पंजाब के लगभग 80% लोगों की, 77 से 80% लोगों की बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। जैसे दिल्ली में 73% दिल्ली के लोगों का बिजली का बिल जीरो आता है, पंजाब में लगभग 77 से 80% लोगों का बिजली का बिल जीरो आया करेगा। बिजली आएगी, 24 घंटे बिजली आएगी, बिल नहीं आएगा। दूसरा बड़ा ऐलान, तीन ऐलान, दूसरा बड़ा ऐलान, जैसा मैंने बताया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अनाप शनाप गलत बिल आए हैं। एक आदमी, गरीब आदमी जिसके घर में एक पंखा दो बल्ब हैं, उसका 50,900 रुपए का बिल कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता, बिल गलत है। जानबूझ के गलत बिल भेजे जाते हैं, फिर वो बेचारा ठीक कराने जाता है तो कहते हैं इतने पैसे दे दो तेरा बिल ठीक कर दूंगा। करते हैं नहीं करते हैं? इतने पैसे दे दे, तेरे 50,000 का बिल है, 5,000 रुपए मेरे को दे दे, तेरा बिल खत्म कर दूंगा। कई गांव के अंदर हमारे वॉलंटियर्स गए, कई गांव के अंदर भगवंत साहब, चीमा साहब खुद गए, हमारे एमएलए गए। ऐसे ऐसे गांव हैं जिसमें कई कई 1,000 रुपए के लोगों का बिल आए, वो भर नहीं पाए, बिजली काट के चले गए। अब बिना बिजली के तो आदमी रह नहीं सकता, सबने कंडी मार रखी है, मजबूरी है, क्या करें, सबने कंडी मार रखी है। सब लोग डर की जिंदगी जी रहे हैं। जैसे ही हमारा कोई आदमी गांव में घुसा, सब लोगों ने कंडी उतार ली, सब लोग भागने लगे। लोग डर में जी रहे हैं, लोग बेइज्जती की जिंदगी जी रहे हैं। इन सब लोगों को सम्मान की जिंदगी देंगे, इन सब लोगों को इज्जत की जिंदगी देंगे। इसीलिए जितने पुराने बिल हैं डोमेस्टिक के, जितने पुराने बिल हैं सारे माफ किए जाएंगे। जिन जिन लोगों के पुराने पेंडिंग बकाया बिल हैं, एरियर हैं डोमेस्टिक के, सारे माफ किए जाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, पंजाब में सरप्लस बिजली मिलती है, पंजाब में ज्यादा बिजली उत्पादन होता है, कम खपत है, उसके बावजूद भी बिजली कट लगते हैं इतने बड़े बड़े, कई कई घंटों तक बिजली नहीं आती, खेती के लिए बिजली नहीं मिलती, 24 घंटे बिजली दी जाएगी। जैसे दिल्ली के अंदर हमने 24 घंटे बिजली दी, ऐसे ही पंजाब के अंदर भी 24 घंटे बिजली दी जाएगी। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल वालों पंजाब की जनता लिए किए 3 वड्डे ऐलाना ते सीनियर अकाली आगू विक्रम सिंह मजीठिया ने चुटकी ली है। मजीठिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान कहा कि केजरीवाल दिल्ली वाला झूठ पंजाब च फैलाउण नूं फिरदा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली च दुकानदारां ते इंडस्ट्री नूं महंगे बिजली बिल देने पै रहे हैं, जेकर केजरीवाल इन्हां दे रेट घटा देवे तां उह फिर केजरीवाल दे पंजाब वासियां लई कीते ऐलानां नूं वी मन लैणगे। मजीठिया ने कहा कि केजरीवाल के नवे सलाहकार उन्हां नूं सलाह देंदे रहिंदे हन, इन्हां चों ही किसी ने कह दिता होवेगा कि कैप्टन सरकार पंजाब की जनता नूं 200 यूनिट बिजली मुफ्त देवेगी। उन्होंने कहा कि इस दे तुरंत बाद ही केजरीवाल चंडीगढ़ पहुँच गए। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 सालों तक केजरीवाल इत्थे आए नहीं, इसलिए हुण भी सिर्फ चोण वादियां कारण ही वह इत्थे आए हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल वालों 3 ऐलान करके लोगों नूं मूर्ख बनाया गया है, यह झूठ दे पुलंदे तो सिवाए होर कुछ भी नहीं है। अज एक कोरोना रिव्यू मीटिंग में फैसला लेंदे हुए डेल्टा वेरियंट नूं देखते हुए पाबंदियां 10 जुलाई तक वधाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने कोविशील्ड वैक्सीन का स्टॉक खत्म होन अते कोवैक्सीन का स्टॉक सिर्फ 1,12,821 रह जाण ते केंद्र सरकार नूं वैक्सीन भेजन की अपील भी की। इस दे नाल ही हुनर विकास केंद्रां अते यूनिवर्सिटियां नूं खोलण की मंजूरी दी गई है, पर इत्थे आउण वाले विद्यार्थियों अते स्टाफ नूं घट्टो घट्ट वैक्सीन की एक खुराक लई जाणी जरूरी की गई है, जबकि आयल्स सेंटरां नूं पहलां तों ही खोलण की इजाजत दिती जा चुकी है। पिछले कई दिनों तो वख-वख थावां ते सियासी आगुआं दे पोस्टर लगन दा सिलसिला जारी है। उसी तरह ही श्री आनंदपुर साहिब हल्के तो मैंबर पार्लीमेंट मनीष तिवाड़ी पिछले काफ़ी लंबे समय तो अपने हल्के च नहीं आए अते ना ही उत्थे रह रहे लोगों दीआं कोई मुश्किलां सुनिया। इसे रोस वजों उक्त हल्के दे लोगों वालों MP मनीष तिवाड़ी दे लापता होण दे पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में यह सारी जानकारी श्रोमणी अकाली दल दे यूथ विंग दे मीत प्रधान रमनदीप सिंह बावा वालों दी गई। इस संबंध में पत्रकारों के नाल गलबात करदे होए श्रोमणी यूथ अकाली दल मीत प्रधान रमनदीप सिंह बावा ने कहा
कि इस स्थान ते कोविड दी बीमारी कारण जूझ रहे बंदियां नूं बहुत सारियां मुश्किलां दा सामना करना पै रहा है, पर एम पी मनीष तिवाड़ी ने किसी भी वोटर नाल मिलकर उसकी कोई मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि इस करके अज असी साथियों नाल मिलकर मनीष तिवाड़ी के लापता होने के पोस्टर सड़कों पर चिपकाए हैं ताकि आते जाते लोगों को पता लग सके कि वह साढ़े हल्के तो लापता हैं। तीनों खेती कानूनों के विरोध में चल रहे अंदोलन कारण कुंडली बॉर्डर से जी टी रोड पिछले 7 महीनों तो बंद है। इस कारण खेतर के लोगों को दिल्ली आने जाने परेशानी हो रही है। इसनों देखते हुए नेड़े तेड़े के पिंड हुण जी टी रोड का एक रख खोलन की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच की इस मुहिम को पिंड पिंड समर्थन मिल रहा है। रस्ता खोलन की मांग को लैके एक हफ्ते पहला महापंचायत तो बाद मंच के मैंबर लगातार पिंडों जनसंपर्क मुहिम चला रहे हैं। मंच के मैंबर सोमवार को पिंड अटेरना मनौली सिरसा पिंड जाके एक पासे दारा खोलन लोगों तो समर्थन मंग रहे हैं। मंच के प्रधान हेमंत नांदन ने कहा कि 7 महीनों तो रोड बंद होने कारण खेतर के लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वो लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी समस्या को लैके आवाज़ चुक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई 2021 को वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लागू करने की अंतिम तारीख तय कर दिता है। इस योजना तहत प्रवासी मजदूरों को देश के किसी भी हिस्से में राशन लैन की सहूलत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के लाभ से भलाई लई कई होर आदेश भी दिते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अते राज सरकारां नूं कोरोना कारण प्रवासी मजदूरों की भलाई बारे कई दिशा निर्देश जारी किए। अदालत ने राज सरकारां नूं प्रवासियों नूं सुक्का राशन मुहैया कराउण ते महामारी जारी रहन तक कम्यूनिटी रसोईयां जारी रखन का निर्देश दिता। इस दे नाल ही अदालत ने कहा कि नैशनल डाटा ग्रिड पोर्टल का काम पूरा करके गैर संगठित सैक्टर विच मजदूरों की रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई तक पूरी की जाए। कोरोना की दूजी लहर दौरान लाइया रोकां कारण बुरी तरह प्रभावित हुए प्रवासी मजदूरों लई खुराक सुरक्षा नकदी बदली अते होर भलाई दे उपाय यकीनी बनाउण लई केंद्र ते राज्यां नूं निर्देश देण दी मांग वाली पटीशन उत्ते सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी सुनाया है। दक्षण पछमी मानसून पछमी राजस्थान के बाड़मेर पहुँच गया है, जो इस दे आखिरी पड़ाव विचों एक है। इत्थे ये अपने आम समय तो 2 हफ्ते पहला पुज्जा है। इस दे नाल ही दिल्ली समेत उत्तरी भारत के मैदानी खेत्र अजे भी मानसून की बारिश का इंतजार कर रहे हैं। भारत के मौसम विभाग ने मंगलवार को कहा कि भावें मानसून बाड़मेर पुज गया है, पर पछम उत्तर प्रदेश पंजाब ते हरियाणा हाले भी बारिश नूं तरस रहे हैं। कच्चा अध्यापक यूनियन पंजाब अते सिक्ख्या प्रोवाइडर समेत होर अध्यापक यूनियनां दा अपनियां जायज़ मंगां नूं लैके लड़ीवार धरना प्रदर्शन मंगलवार को 14वें दिन दे विच दाखिल हो गया, जिथे कुछ कच्चे अध्यापक अमृतसर सिक्ख्या भवन की छत ते डटे हुए हैं। उधर प्रशासन नाल मीटिंग बेसिट्टा रहन कारण कच्चे अध्यापकों ने गुप्त एक्शन करदिआं अचानक मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोठी घेरन लई चंडीगढ़ वल कूच कर दिता। हालांकि मोहाली पुलिस ने YPS चौंक नेड़े बैरीकेड लगा के कच्चे अध्यापकों नूं रोकण दा यतन किया, पर वह पुलिस दीआं रोकां तोड़दे हुए चंडीगढ़ वल अगे वधे गए अते प्रदर्शनकारियों ने चंडीगढ़ के बैरीकेड भी तोड़ दिते। हालांकि UT पुलिस ने जल तोपां की वरतों कर अध्यापकों नूं खदेड़न की कोशिश की, पर अध्यापकों ने पुलिस वाहन उत्ते चढ़ के जल तोपां का मूँह दूजे पासे मोड़ दिता अते नारेबाजी करदे हुए अगे वध गए। महिला अध्यापकों ने अपने बच्चों समेत वड्डी गिनती विच शमूलियत की। ब्रिटिश कोलंबिया विच इन्ने दिनी गर्मी का कहर जारी है। इत्थे गर्मी के वधदे प्रकोप कारण सोमवार को स्कूल ते कॉलेज बंद रहे। पछमी कैनेडियन सूबे विच हफ्ते के अखीर विच रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया। इत्थे तापमान 100 डिग्री फारनहेट नूं भी पार कर गया। वैनकूवर के उत्तर विच लगभग 200 किलोमीटर ब्रिटिश कोलंबिया के एक शहर लिटन विच ऐतवार को 45 डिग्री सैलसीयस तो वध तापमान दर्ज किया गया सी। वातावरण अते जलवायु तब्दीली कैनेडा मुताबक इस तो पहला सब तो वध तापमान 45 डिग्री सैलसीयस रिकॉर्ड किया गया सी, जो सन 1937 विच सस्कैचुअन विच दर्ज होया सी। इस वार की गर्मी ने पछमी कैनेडा विच कई स्थानक रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिन्हां नूं देखते हुए खदशा जताया गया सी कि सोमवार का दिन होर भी ज़्यादा गर्म होने वाला है। गर्मी तो राहत पाने लई वड्डी गिनती विच लोग समुद्री तट्टां वल जा रहे हैं। विक्टोरिया स्थित वातावरण अते जलवायु तब्दीली कैनेडा के एक सीनियर शोध विज्ञानी ग्रैग फ्लैटो ने कहा कि तेज़ गर्मी का मौसम प्रशांत नॉर्थ वैसट लिए असाधारण है। इतने सूरज निकलन की तुलना में मीह ज़्यादा पैदा है, जो एक उच्च दाब प्रणाली कारण होंगे है। फ्लैटो ने कहा कि अजक इतने दिन का तापमान बहुत ज़्यादा रहा है और रात वेले भी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होंगी। दिल्ली की अदालत ने गणतंत्र दिवस मौके ट्रैक्टर रैली दौरान पुलिस उत्ते हुए कथित हमले न जुड़े केस में लखा सदाना गिरफ्तारी तो अंतरिम राहत दी है। एडिशनल सैशन जज शिवाजी आनंद ने उसनू 19 जुलाई तक गिरफ़्तार करन तो रोकया है ते उसनू जांच विच शामिल होने के निर्देश दिते हैं। 3 दिन पहला गणतंत्र दिवस की हिंसा नाल जुड़े होर केस विच अदालत ने उसनू 3 जुलाई तक गिरफ़्तार ना करन लई कहा सी।
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਫਰੈਂਡਸ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।